वीआईपी मान है। अच्छा वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर है और जायके की तलाश, स्ट्रीट फूड जायके की तलाश हमें कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में लेकर जाती है। आज सुबह से शाम तक हमारी कोशिश होती है कि आपको मुख्तलिफ इलाकों के स्ट्रीट फूड दिखाए जाए और आज उसी जायके की तलाश हमें लियाकताबाद लेकर आई है। लियाकताबाद डाकखाना से जब आप तीन हट्टी की तरफ जाते हैं उल्टे हाथ पर आपको पेडिसन ब्रिज आता है। पेडिसन ब्रिज की गली के अंदर जब आते हैं तो वहाँ पर बहुत ही मशहूर चुश्ते बिकते हैं। अब चुश्ते क्या होते हैं ये आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं और कराची के चंद ही मकामात पर ये अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से बनाए जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पर आएँ, वसीम भाई के चुश्ते खाएँ और हमें खाकर रिव्यू दें। तो आज हम ये खाने वाले और देखेंगे ये बनते किस तरीके से हैं, क्योंकि ये इलाकाई सेटअप है मगर उसके बावजूद दूर दूर से लोग उसको खाने के लिए आते और हैं बहुत सस्ते। इस महंगाई के दौर में भी तकरीबन 30 रुपये से ही आपको मिलना शुरू हो जाती है इसकी प्लेट और अच्छे खासा आप उसको खा लेते हैं और पेट भी भर जाता है और जायका भी मिलता है। तो हम ज़रा चल के पहले बातचीत करते हैं लोगों से भी और देखते हैं किस तरीके से पकते हैं, इसकी रेसिपी क्या है और फिर आखिर में खाकर रिव्यू देंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो बच्चों को बड़ी पसंद है ये? हाँ बच्चों को बहुत पसंद है। तो जैसे हालात में ये है कि गरीब ये कितने की बना रहे हैं? 40 रुपये में। 40 रुपये में अच्छी खासी आ जाती है माशाल्लाह, तो पेट भर जाएगा दो बंदों का आराम से यार। तो ये बताइए कि कब से आ रहे हैं यहाँ पर खाने के लिए? तकरीबन 4 साल हो गए माशाल्लाह। तो इसी इलाके की रहायशी कहीं और से है? पंजाब का हूँ। अच्छा पंजाब के हो, तो ये एक बार खाया मज़ा आ गया? ये जायके में मज़ा करती है। और ये कितने की प्लेट लिया आपने? ये तो 50 की दी। 50 रुपये में? 100 रुपये की भी देते हैं, 30 रुपये की भी दे देते हैं। 30 रुपये की भी देते हैं तो आपका पेट भर जाता है हमारे यहाँ खा कर। तो ये दोपहर का खाना हो गया आपका? ये खाना भी हो गया, नाश्ता भी। मैं तो शौके तौर पर आके खाते हैं। ज़बरदस्त। बाकी हमारा खुद अपना नाश्ते का ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा खुद का ठीक है नाश्ते का? और ये स्पेशली आप खाने के लिए आते हैं? स्पेशल जुमरात को आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। ज़बरदस्त। ये देखें भाई, ये रश देखें माशाल्लाह, अभी लोग आना शुरू हो गए यहाँ पर, ये देखते जाए बस। अच्छा ये बहुत अच्छी बनाते हैं, शुरू से इनसे ही खाते हैं हम लोग। शुरू से ही खाते हैं। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पर खाते? मुझे कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। यही लालू खेत में ही रहते हैं हम लोग, जब भी आते हैं इन्हीं के पास। और ये नाश्ते के तौर पर सुबह नहीं, खाने के टाइम पे? मैं तो जब भी आया उनके पास खाने के टाइम पे। खाने के टाइम पे आए हैं और जायका बड़ा अच्छा मिलता है। कराची में कुछ और जगह भी मिलती है, जैसे हैदराबाद कॉलोनी की तरफ भी मिलती है कहीं और? नहीं हमारा यही आना होता है तो शुरू से यहीं से खाते हैं। मज़ा आ गया, बस बहुत मज़ा आ गया। चले ज़बरदस्त। पहले ये वहाँ मेन रोड पे लगाते थे, अब ये बस यहीं रुके हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई ने दूसरी ले ली है माशाल्लाह। ओहो पहले खाई भाई ने एक और बनवा ली यार, ये होता जायका। अब कोरी खा रहे हैं भाई। ये देखो भाई, पहले ये रोटी के साथ खा रहे थे, अब ये कोरी खाएंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं यार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ये कौन सी बोटी कहलाती है? ये काली बोटी कहलाती है, चुस्ते की बोटी होती है। चुस्ते की बोटी होती है जी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो कितने साल हो गए माशाल्लाह आपको? हमें तकरीबन 45 साल हो गए। 45 साल हो गए? पहले दादा के बाद वालिद साहब, फिर अब मैं। अच्छा माशाल्लाह, जल्दी पुश्ती काम चलता हुआ आ रहा है। जी बिल्कुल। तो ये पकती किस तरीके से, क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा बताएं क्या है ये? ये पहले आती है, इसको धुलती है, फिर इसको उबालते हैं। उबालते हैं इसको कितने वाली, फिर उबाल के फिर इसको धोते हैं। सही। फिर उसके बाद इसको पकाते हैं, साफ करते हैं। और जी ये मसाले वगैरह क्या होते हैं, मतलब कितनी देर पकती है, टाइम लेती है पकने में? ये पकने में तो इतना टाइम नहीं लेती। 50 मिनट। सही। लेकिन जो है ना इसके धोने में बहुत टाइम लगता है। धोने में मेहनत है। धोने में बहुत मेहनत है। इसके तरीके का पकाने का मुख्तलिफ होता है मसाले वगैरह, या जो पाई टाइप के मसाले होते हैं इसके? नहीं नहीं, इसके मसाले मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जो शुरू से हमारे यहाँ चले आ रहे हैं इसमें वही होते हैं। अच्छा वो मसाले? हाँ। सीक्रेट रेसिपी है? हाँ सीक्रेट। प्लेट कितने से शुरू होती है? 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक। 30 रुपये में शुरू जाती है? हाँ। इतनी महंगाई में 30 रुपये में मिल रहा है? 30 रुपये में देते हैं, बाद अवकात किसी को फ्री भी दे देते हैं। ठीक है।
और ये बताएं कि आपका नाम क्या है और लोकेशन क्या है, किस जगह पर? मेरा नाम वसीम है। आप अगर डाकखाने से आएंगे तो है ना, ये अल्लाह आपका वाला करे, ब्रिज आएगा दो नंबर का, पेडिसन ब्रिज के लास्ट में, जी जी, उस गली में आएंगे, जुम्मा गुज्जर डेरी है उसके पास ही है बस। उसके पास ही जो नियारी है? जी जी बिल्कुल। तो क्या टाइमिंग होती है आपकी? हमारी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक, 4 बजे तक, 2 बजे तक, खत्म हो जाता माशाल्लाह। जब खत्म हो जाता अभी आधा हो चुका है, ये आधे से ज्यादा हो चुका है। बताइए किसकी इस्तेमाल होती है, भैंस की है कि कौन सा जानवर होता है, क्या होता है? भैंस की होती है। और क्या फर्क होता है चुस्ते और बट में? चुस्ता वो जरा अलग टाइप का होता है, बट ये होती है वो रेशे वाली होती है। अच्छा, ये बट नहीं है? ये बट नहीं है, ये चुस्ता है। ये चुस्ता है, इतवार को मिलती है बट। अच्छा, इतवार को बट भी होती है, दोनों होती है इतवार के दिन। तो जायके में फर्क होता है दोनों के? हाँ, जायके में फर्क होता है, ज़्यादा फर्क होता है उसके अंदर, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। ठीक है, हमने भी ऑर्डर दे दिया है और हमने बोला एक हमारी बनाया, ये इन्होंने बड़ी बोटी ली है, ये काटेंगे अंदर ही काटेंगे? अच्छा भाई, स्पेशली हमारी वही बोटी कट रही है, छोटे छोटे पीस। अच्छा, छोटे पीस करने में ज़्यादा मज़ा आता होगा, खाने में ज़्यादा मज़ा आता होगा। अच्छा, चमचे में भी आ जाती है? हाँ, निवाले में भी आ जाती, चमचे में भी आ जाती, चम्मच में भी आ जा सकती है, ज़बरदस्त। वैसे कोई ये है, ग्रेवी व्रेवी मांगता है, ग्रेवी दे देते हैं या नहीं? ग्रेवी नहीं दे देते हैं, ग्रेवी। अच्छा, ये भाई भाई मोहब्बत वाला रिश्ता रखा हुआ है सबसे इन्होंने। तो भाई ये है प्लेट 100 रुपये में, फुल आराम से 2 से 3 बंदे खा सकते हैं, इतनी भरी हुई है, देखें जी ये 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 ये। तो ये फहीम भाई भी हमारे साथ हैं। फहीम भाई कैसे हैं आप? बेहतरीन। इस तरह की चीज़ों को आपको ऐसे स्टाइल में मिलेगा तो बैठने का इंतजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन जायका बड़ा अच्छा होता है, देखने में ही बड़ा अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा थिकनेस नज़र आ रही है, और छोटी छोटी बोटियाँ की हुई हैं। चुश्ते, इसे बट भी कहते हैं कुछ लोग, कुछ लोग दूसरे नामों से पुकारते हैं, मगर ये देखें गाढ़ापन, देखें ये रिचनेस, देखें इसकी, उसके अंदर आपको कटर मिर्च इसी तरीके से खड़े मसाले कुछ नज़र आ रहे हैं, थोड़ा स्पाइसी लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार वो कहते हैं ना, जो जायके आपको स्ट्रीट फूड में मिलते हैं ना, कहीं नहीं मिलते, वो वाकई सच बात होती है। बड़ा मज़े का यार, लिटरली ये देखें, वाह। एक तो चुस्ते पक्के आवाज सही है बिल्कुल, और साफ़ सुथरा बहुत अच्छा है, सफाई बहुत अच्छी तरीके से की हुई उन्होंने, और दूसरा इसका जो शोरबा है सालन है वो बड़ा मज़े का है यार। नहीं, आप ऐसे ही सूप की तरह पिए, इट्स लाइक सूप ना। हाँ, हल्का सा स्पाइसी है, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है, मगर लेकिन मज़ा आता है, और आपको ना एक बड़ा ही ज़बरदस्त डिफरेंट फ्लेवर मिलता है, जो अक्सर आपको दूसरी यानी सूप से मैं सिमिलर बता रहा हूँ, लेकिन देखने में ज़रूर हो सकता है, लेकिन पीने में बिल्कुल जायका अलग है। अब ज़रा रोटी के साथ चख लिया जाए, रोटी के साथ इसलिए चक रहे हैं कि ताकि पता चल सके कि रोटी के साथ आएगा कितना मज़ा करता है। तो आपने एक बोटी लेनी है और ऐसे करके ये रोटी के साथ मज़ा कर रहा है, रोटी के साथ मज़ा कर रहा है, मगर जिसको कोरा खाने का मज़ा है ना, वो अपना ही अलग है। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपने रोटी के साथ खाना, ये आप आओ प्लेट बनाओ, और अगर पेट भरना है तो रोटी के साथ खा लो, मगर जायका चाहिए तो उसे वैसे खाओ। जो मेन चीज़ होती है चुस्ते बट के अंदर ना, हीक रह जाती है, नहीं आपको एक भूसी आती है, तो आपका दिल मचलता है खाते वक्त, मगर इसके अंदर बड़ी अच्छे तरीके से सफाई हुई भी है इसकी, और इसमें किसी किस्म की मैक हीक नहीं है, तो खाने में आपको बड़ा मज़ा करता है। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि इसकी हीक किस तरह से ख़त्म करें, यानी महक किस तरह से ख़त्म करें। तो भाई मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंड है, अगर आप स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं, कुछ लोगों को थोड़ी सी अजीब सी लगती है बट, मगर लेकिन अगर आप खाने के शौकीन हैं तो बिल्कुल आइएगा यहाँ पर लियाकताबाद, लियाकताबाद डाकखाने से जो रास्ता 3 हट्टी की तरफ जा रहा है, आज जैसे ही आप लियाकताबाद डाकखाने का पुल उतरते हैं, उसके बाद उल्टे हाथ पे पेडिसन ब्रिज आता है, पेडिसन ब्रिज में उल्टे हाथ पे गली में आइएगा, गली में जैसे ही आएंगे आपको निहारी की दुकान नज़र आएगी इस्लाम गुज्जर भाई की, और उसके साथ ही है तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर 1-2 बजे तक खोते हैं, जब तक होता ही है। तो मुझे बड़ा पसंद है, अपना ख्याल रखिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।